नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद सद्दाम, CFM न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग वैक्सीनेशन को लेकर के, जो हमारे राज्य में, पश्चिम बंगाल राज्य में वैक्सीनेशन को लेकर के जो परेशानियाँ थी, लोगों के बीच काफ़ी परेशानियाँ रही थी, लोग इस राज्य से दूसरे राज्य में जा कर के, जैसे कुल्टीवासी जामताड़ा झारखंड राज्य में जा कर के वैक्सीन ले रहे थे अपना, लेकिन उसके बाद जब हमने बुधवार को इसकी जानकारी जो है अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से जब राज्य सरकार तक पहुंचाई, तो उसके बाद शायद प्रशासन की आँख खुली। उसके बाद से बृहस्पतिवार को मीटिंग किया गया, मीटिंग के बाद वैक्सीनेशन जो है कुमारडिया स्वास्थ्य केंद्र, जहाँ पर अभी हम उपस्थित हैं, यहाँ पर सुचारू रूप से किया जा रहा है, लेकिन अभी भी लोगों के बीच काफ़ी परेशानियाँ हैं और उन परेशानियों को हम लोगों के बीच जा कर के जानेंगे कि अभी उन लोगों को क्या परेशानियाँ आ रही हैं। जब हमने कुमारडिया स्वास्थ्य केंद्र के जो प्रतिनिधि है उनसे हमने जब इस विषय में पूछा कि कुमारडिया स्वास्थ्य केंद्र में पर डे, मतलब हर दिन कितनी वैक्सीनेशन जो है हो पा रही है, तो वहाँ से हमें जानकारी मिली कि 150 लोग लाइन लगा करके अपना वैक्सीनेशन ले रहे हैं, 100 लोग जो ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं और 50 लोग ऐसे हैं जिसको सेकेंड डोज दिया जा रहा है। तो लोगों से अभी हम लोग ये जानेंगे कि जो सुचारू रूप से वैक्सीन अभी शुरू किया गया है हमारे पश्चिम बंगाल राज्य में, या फिर कहें पश्चिम बर्धमान में, किस तरह से वैक्सीनेशन का काम हो पा रहा है, लोगों से इसकी जानकारी लेंगे। कुमारडिया स्वास्थ्य, कितना बजे आए? 10 बजे। तब से बैठे हुए हैं? क्या नाम हुआ आपका? कितना उम्र, कितना हो रहा है आपका? 78। क्या नाम है आपका? यहाँ पर किस लिए आए? कितना बजे से लाइन में? 6 बजे। दिन में मिल पा रहा है या फिर इससे पहले भी 2 दिन लगा चुके हैं, नहीं मिला? अच्छा, आज मतलब आज तीसरा दिन लाइन है हम लोग का, नहीं मिल रहा। सवेरे 5:30 बजे से लाइन लगे हैं, अभी तक काउंटर खुला है ना कुछ। इससे पहले तो वैक्सीन मतलब हो ही नहीं पा रहा था, बहुत दिक्कत है, अभी भी दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। एक वो काउंटर है, ठीक है, पूरा यामत कोसीदारों को बोले यहीं पर भीड़ है, तो कैसे होगा? अच्छा, तो इसके अलावा कहीं पे मतलब कैंप वगैरह नहीं किया गया? नहीं, कोई कुछ नहीं किया। चाहते हैं कि कैंप हो? हम लोग चाहते हैं हर वार्ड में हम लोग का कैंप दे दे अपना, या हम लोग हर वार्ड में अपना अपना ले लेंगे, वार्ड कमिश्नर को अंदर में दे दिया जाए, जितने हम लोग का लाइन नहीं लगना होगा। कितने बजे से लाइन लगाए आप? हम लोग सुबह 6 बजे से लाइन लगाए हुए, 5:30 बजे से, लेकिन अभी तक कोई नर्स लोग ढुक गए हैं, लेकिन अभी तक काउंटर नहीं खोला गया है। काउंटर अभी तक नहीं खुला ना? 8 बजे सुबह से। कितने दिन वैक्सीन के लिए कब अप्लाई किए थे पहले, या फिर डायरेक्ट आज पहले? नहीं आया, नहीं आया, मतलब फिर से आपको बुलाया गया? आज लाइन, आज लाइन में आप लग करके हैं वैक्सीन के लिए? कितना दिन से आप लोग लाइन में आ रहे हैं, मतलब लगा रहे हैं? अच्छा, इस तरह का भीड़ ना लगे इसके लिए आप लोग क्या चाहते हैं कि इस तरह का कितना बजे से लाइन पे हैं आप? हमारा भोर 8:30 के। तो यहाँ पर किस तरह की परेशानियाँ हो रही है आप लोग को? ना खावा दवा करे हमारा সবাই মিলে মাথা যদি ঘুরে পড়ে যায় তাহলে এটা সরকারদেরই একটা ইয়ে হবে না? তাহলে অনেক কষ্ট হচ্ছে, দেখুন আমরা আছি, আরো অনেকেই আছে বয়স্ক আমাদের মতো, তাহলে ব্যবস্থা কি তরা চাই? স্কুলে
প্রাইমারি যে স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলো রয়েছে সেগুলোর মধ্যে ছোট ছোট ক্যাম্পের ব্যবস্থা করলে সাধারণ মানুষের সুবিধা হতো। এর ফলে সাধারণ মানুষকে মানে বিভিন্ন রকম অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। আমাদের মতো বয়সীদের মানে অসুবিধাটা কম, কিন্তু যারা এই বয়স্করা আছে তাদের তো কত অসুবিধা, তাদেরকে তো অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। তো এখন দেখুন দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করা হয়নি, আমরা সকাল থেকে না খেয়ে না খেয়ে সমস্ত দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু এটার একটু মানে একটু খুব দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া মানে সাধারণ মানুষের সুবিধা, এটা কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য কোনোভাবেই মানে উপকার হচ্ছে না, উল্টা উপকারই হচ্ছে। काफ़ी परेशानियां हैं, लोगों का कहना है कि एक तो जो स्लॉट बुकिंग किया गया है, बताया जा रहा है कि पर डे 100 स्लॉट बुकिंग किया जा रहा है वैक्सीनेशन के लिए, और 150 लोग लाइन में आकर के वैक्सीन ले रहे हैं, और 50 ऐसे लोग हैं जिसे सेकेंड डोज दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे लोगों का कहना है कि सेकेंड डोज जो है वो तो मिल ही नहीं पा रहा है अभी, और फर्स्ट डोज का काम जो है वो चालू हुआ है। लाइन लगाने के बावजूद ऐसा हो रहा है कि लोगों को दूसरे दिन फिर से लाइन लगाना पड़ रहा है, तीसरे दिन फिर से लाइन लगाना पड़ रहा है। इस तरह की परेशानियाँ जो है लोगों के सामने अभी भी आ रही है। इस विषय में और हम प्रशासन से इसकी जानकारी लेंगे और अपने CFM न्यूज़ के माध्यम से आप तक पहुँचाएंगे।